माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। हम लोग पैथोलॉजी एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे थे आपको कि हम कैसे लिखते हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको सेल इंजरी के बारे में, इन डिजनरेशन के बारे में, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ट्यूमर। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, देखिए। इन्फ्लामेशन से आता है डिफाइन इन्फ्लामेशन, डिस्क्राइब एक्यूट इन्फ्लामेशन। उसके बाद अगला आता है आपको डिस्क्राइब साइन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड डिस्क्राइब वास्कुलर चेंजेज या कभी कभी ह्यूमरल चेंज के बारे में क्वेश्चन दे देता है आपको। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम लोग वन बाई वन करके डील करते जा रहे हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन लिखना है। अगर इन्फ्लामेशन का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिखते हैं उसको, देखिए। तो इन्फ्लामेशन का जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, डिफिनीसन। तो डिफिनीसन में क्या लिखिएगा आप इसमें कि इट इज ए डिफेंसिव डायनेमिक प्रोसेस। मतलब क्या है, यह एक डिफेंसिव और डायनेमिक प्रोसेस है इन विच द रिएक्शन बिटवीन हेल्दी सेल एंड हार्मफुल एजेंट। यानी इसमें क्या होता है कि हार्मफुल हेल्दी सेल एंड हार्मफुल एजेंट के बीच में रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में कौन कौन से चेंज होते हैं वो भी आगे बताने जा रहे हैं। तो डिफिनेशन में फिर क्या लिखना होगा कि इट इज ए डिफेंसिव डायनेमिक प्रोसेस इन विच द रिएक्शन बिटवीन हेल्दी सेल एंड हार्मफुल एजेंट ड्यूरिंग रिएक्शन सम चेंजेज एट द साइट ऑफ इंजुरी नोन एज इन्फ्लामेशन। यानी क्या बता आपको हम कि यह इन्फ्लामेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस जगह पे इंजुरी होता है उस इंजुरी के साइट पर वहाँ पर कुछ चेंजेज होता है, जो चेंजेज आपको हार्मफुल एजेंट और आपको हेल्दी सेल्स के बीच में रिएक्शन डेवलप करता है। ऐसे कंडीशन को लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इतना डिफिनेशन लिखने के बाद अब क्या लिखना होगा हमको कि आखिर ये क्यों होता है, कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का कॉज क्या है, तो इन्फ्लामेशन में कॉज में लिखेंगे कि जो भी जब भी इन्फ्लामेशन कहीं होता है कहीं भी, तो उसमें पहला लिखेंगे आप फिजिकल एजेंट में क्या लिखेंगे आप, ट्रॉमा, हीट, फ्रिक्शन, लाइट, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक इत्यादि। दूसरा लिखना है आपको केमिकल एजेंट में लिखना है स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस, फ्री रेडिकल इत्यादि। थर्ड में लिखना है आपको बायोलॉजिकल एजेंट में क्या लिखना है आपको, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी लिख सकते हैं। बैक्टीरिया वायरस मोस्ट कॉमन है बायोलॉजिकल एजेंट इन्फ्लामेशन करने में। और उसमें कुछ नाम लिख दीजिएगा, स्टेफाइलोकोकोसोरियस, स्ट्रेप्टोकोकोसोरियस। और वायरस में जैसे वेरिसेला जोस्टर, हर्पिस जोस्टर लिख देंगे उसके बारे में। अगला क्या है थर्ड में, अगला कौन लिखेंगे हम लोग, इम्यूनोलॉजिकल यानी कि एंटीबॉडी के कारण वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा। तो यह आपको वहाँ पर कॉज लिख देंगे। कॉज लिखने के बाद है ना, इतना कॉज लिखने के बाद अब क्या करिएगा, लिखिएगा नोमेनक्लेचर, यानी कि इन्फ्लामेशन को हम किस नोम कैसे नोमेनक्लेच करते हैं। तो वहाँ पर लिख देंगे बाय सफिक्स वर्ड आइटिस ऐसे लिख देंगे। एग्जांपल में लिखेंगे जैसे इन्फ्लामेशन डेवलप करता है अगर नेफ्रॉन में तो लिखेंगे नेफ्राइटिस, अगर स्टमक में होता है तो गैस्ट्राइटिस, अगर बोन में हुआ तो ऑस्टाइटिस, कंजंक्टिवा में हुआ तो कंजंक्टिवाइटिस। कुछ ज़्यादा नहीं, चार पांच एग्जांपल लिख देना है। अब इसके बाद लिखना है आपको क्या, टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन के कितने टाइप होते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पहला एक्यूट इन्फ्लामेशन, और दूसरा लिखेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन,
तो देखिए सबसे पहली बात, एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या लिखिएगा, वैसा इन्फ्लामेशन जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कम समय के लिए रहता है बॉडी में, जो रिएक्शन होगा वो कम समय के लिए होता है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में डिफिनेशन क्या लिखाएगा कि द इन्फ्लामेशन डेवलप इन एट द साइट ऑफ इंजुरी इन सडन ऑनसेट आफ्टर एजेंट एक्सपोजर, सडन ऑनसेट होता है विथ हाई इंटेंसिटी सिम्टम बट द इन्फ्लामेशन रिमूव विद इन 3 वीक नोन एज एक्यूट इन्फ्लामेशन। फिर से बता रहे हैं आपको, हम लिखें क्या कि द इन्फ्लामेशन डेवलप इन सडन ऑनसेट आफ्टर एजेंट एक्सपोजर विथ हाई इंटेंसिटी सिम्टम बट रिमूव विद इन 3 वीक नोन एज एक्यूट इन्फ्लामेशन। यह लिखा है आपको। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन में आपको क्या करना होगा, आपको अब यहाँ पर चेंजेस लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग पहले क्रोनिक का डिफिनेशन लिख लेंगे। हम लोग क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या लिखेंगे कि द इन्फ्लामेशन डेवलप है ना, इन्फ्लामेशन डेवलप डिलेड ऑनसेट आफ्टर एजेंट एक्सपोजर एंड परसिस्ट इन लॉन्गर ड्यूरेशन एट द साइट ऑफ एजेंट एक्सपोजर नोन एज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। दो डिफिनेशन लिखने के बाद अब क्या लिखना होगा आपको, एक्यूट इन्फ्लामेशन फिर से हेडिंग डालना होगा और वहाँ पर लिखेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन में साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। पहले साइन लिख लेते हैं फिर चेंजर लिख देते हैं आपको हम। तो पहला क्या लिखें वहाँ पर, साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। इस नाम से क्वेश्चन भी आता है, साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन से क्वेश्चन रहेगा आपको, साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो उसमें पहला लिखें उसमें र्यूबर, तो र्यूबर का मतलब होता है रेडनेस, है ना। अब वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने का मन हो तो आप लिख सकते हो कि जहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है उस साइट पर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, हाइपरेमिया हो जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने के कारण, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने के कारण उस एरिया में रेडनेस दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, र्यूबर कहते हैं। जहाँ पर रेडनेस होता है उसको क्या बोलते हैं, र्यूबर बोलते हैं। तो जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं, र्यूबर। दूसरा सेकंड लिखेंगे कैलर, कैलर का मतलब होता है हीट, है ना। आप इसको भी लिख सकते हो कि जिस साइड पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर बहुत सारे ATP यूज होता है, बहुत सारी एनर्जी कन्वर्ट होते रहते हैं जिसके कारण उस एरिया में हीट नज़र आता है। थर्ड में लिखेंगे आप डॉलर, डॉलर का मतलब होता है पेन, पेन का मतलब यहाँ पर फिर लिखेंगे आप उसके बारे में कि जिस साइड पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर कई तरह के पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल बनते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर पेन होता है। चौथा लिखेंगे आप उसमें ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब होता है स्वेलिंग, स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब जहाँ पे आपका इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे एग्जुडेशन ज़्यादा होते हैं, एग्जुडेशन का मतलब होता है वहाँ पे फ्लूड का एकुमुलेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे स्वेलिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। और पांचवा साइन में लिखेंगे फंक्शन लेसी, फंक्शन लेसी, फंक्शन लेसी का मतलब होता है जिस जहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ का फंक्शन लॉस कर जाता है। तो ये आपको लिखना होगा साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, इसमें भी क्वेश्चन आपको रहता है। अब इसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या लिखना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको लिखना है आपको इन्फ्लामेशन में, एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद, हाँ, चेंजेज इन इन्फ्लामेशन। तो चेंजेज में क्या होता है ना, चेंजेज में, चेंजेज इन इन्फ्लामेशन, इससे जो है आपका क्वेश्चन में इसमें भी रहता है आपको, जैसे कभी रहता है वास्कुलर चेंजेज, कभी रहता है हेमोरल चेंजेज। तो याद रखना है कि इन्फ्लामेशन में चार तरह के चेंज होते हैं। पहला लिखेंगे न्यूरोलॉजिकल चेंजेज, दूसरा लिखेंगे आप वहाँ पे ह्यूमोरल चेंजेज, तीसरा लिखेंगे वास्कुलर चेंजेज, और चौथा लिखेंगे सेलुलर चेंजेज। यानी क्या लिखेंगे वहाँ पर,
जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे चार चेंज होता है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेज, ह्यूमोरल चेंजेज, वास्कुलर चेंजेज एंड सेलुलर चेंजेज। अब वन बाय वन करके बात करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए शॉर्ट में ही आपको लिखना है, ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे हम लोग, इतना कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं उसमें, सबसे नंबर वन पे न्यूरोलॉजिकल चेंजेज। तो न्यूरोलॉजिकल चेंज में क्या लिखिएगा कि यहाँ पे जैसे वो फोटो बना दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे एक फोटो बना दीजिएगा सेल का फोटो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे, ये ब्लड वेसल्स, और इस जगह पे एजेंट को एक्सपोज करा देंगे आप, है ना। वहाँ पे तो आपको एक ही कलम यूज़ करना होगा ना वहाँ पे, तो यहाँ पे एजेंट हो गया, ये एजेंट हो गया। और यहाँ पे आप न्यूरॉन को बता देंगे, यहाँ पे नर्व जो होता है ना, यहाँ से नर्व जाता है यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे कि अगर सबसे पहले क्या होता है न्यूरोलॉजिकल चेंज में लिखेंगे कि पहला पॉइंट लिखेंगे न्यूरोलॉजिकल चेंज में कि एजेंट एक्सपोज इन लिविंग टिश्यू द एग्जॉन एक्सॉन स्टिमुलेट एंड एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स फॉर वेसो कंस्ट्रिक्शन। शुरू में वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, याद रखिएगा, पहले क्या होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन, फिर हो गया ये आपको पहला तो हो गया। पर आप से लिखे लिखिएगा उस जगह पे नीचे में कि इट आल्सो स्टिमुलेट बाय पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल एंड देन पेन प्रोड्यूस। तो ये हो गया आपको कौन सा न्यूरोलॉजिकल चेंज, मतलब क्या होगा कि जहाँ इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे न्यूरॉन दो काम करता है, एक काम करता है कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और दूसरा काम करता है वहाँ पर इंडिकेट करता है पेन को, क्योंकि पेन अगर इंडिकेट करे तभी ना हीलिंग होगा, जब तक पेन का इंडिकेशन नहीं होगा तब तक हीलिंग वहाँ पर नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा कौन सा न्यूरोलॉजिकल चेंज, याद रखना होगा कि नर्व का काम किया है, पहला काम किया है कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया, दूसरा काम करता है कि यहाँ पर पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल के कारण वहाँ पर इंडिकेट करता है कि इस साइट पर इंजुरी हुई है, यानी यहाँ पर इंजुरी हुआ है, यहाँ पर आपको कोई ना कोई एजेंट एक्सपोज किया है, तो ये आपको इंडिकेट करता है क्या चीज़ को, इन्फ्लामेशन को। तो एक पहला चेंज हो गया। दूसरा लिखेंगे हम लोग ह्यूमोरल चेंजेज। ह्यूमोरल चेंज में क्या होता है कि जिस जगह इन्फ्लामेशन होता है वहाँ का कुछ केमिकल चेंज हो करके ऐसे भाग लेता है। तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे कि some chemical changes at the site of inflammation and help in inflammation, यानी इन्फ्लामेशन भाग लेता है ना। तो ह्यूमोरल चेंज में करके इतना करने के बाद क्या लिखेगा कि सबसे पहले लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट चेंज। कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन विच क्या करता है, कंप्लीमेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, और ये यहाँ पर क्या होता है स्टिमुलेट होकर के, और क्या करता है ना कि यहाँ पर अदर रिएक्शन को इनिशिएट करता है। कंप्लीमेंट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, इट एक्टिवेट एंड क्या करता है स्टिमुलेट टू अदर रिएक्शन। ये हुआ मेरा कौन सा कंप्लीमेंट हो गया। अब अगर ये पहला केमिकल चेंज हो गया, दूसरा केमिकल चेंज क्या लिखें यहाँ पर, जिस सेकेंड हो जाएगा आपको, जैसे हिस्टामिन में क्या लिखना होगा कि इट इज अ वैसोडायलेटर सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल एंड एक्ट ऑन ब्लड वेसल फॉर वैसोडायलेशन। ये हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा में क्या लिखेंगे वहाँ पर, ब्रेडिकाइनिन में क्या लिखेंगे कि इट इज पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, या पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल है जो रिलीज होता है और वहाँ पर पेन प्रोड्यूस कराता है ना। चौथा क्या लिखे वहाँ पर, प्रोस्टाग्लैंडिन। यह भी एक प्रकार केमिकल है जो वहाँ पर क्या कराता है ना, आपको हीट डेवलप करता है, हीट एंड पेन वहाँ पर प्रोड्यूस कराता है। और लास्ट में लिखेंगे लैक्टिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के सप्लाई कम होने के कारण यह जगह पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का, और वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया आपको, ह्यूमोरल चेंजेज। अब लिखना है अगला आपको वास्कुलर चेंजेज। तो वास्कुलर चेंज क्या लिखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर वैसोडायलेटर केमिकल क्या करता है, एक्ट ऑन ब्लड वेसल। क्या लिखे वहाँ पर कि वैसोडायलेटर केमिकल्स
एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है। फिर क्या अगला पॉइंट लिखेंगे, एक्ट करता है तो क्या होता है, इस जगह पे ब्लड वेसल डायलेट होते हैं, पहले तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद यहाँ ब्लड एक्युमुलेट करता है, फिर यहाँ ब्लड वेसल डायलेट होता है। तो पहला क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, फिर दूसरा क्या लिखेंगे, ब्लड वेसल एक्युमुलेट, वहाँ पर एक्युमुलेट होता है। तीसरा में क्या लिखेंगे, ब्लड वेसल डायलेट। चौथा में क्या लिखेंगे, एक्सुडेशन। यहाँ पर क्या होता है ना, एक्सुडेशन का मतलब होता है यहाँ से फ्लूड जो होता है ना यहाँ पे आ जाता है, एक्सुडेशन। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल। यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रोफिल यहाँ से माइग्रेट करता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन न्यूट्रोफिल होता है, इतना तक ब्लड वेसल का चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं लोग, वास्कुलर चेंज। और लास्ट में चौथा आपको मिलेगा, आपको सेलुलर चेंज। सेलुलर चेंज में क्या लिखेगा कि वहाँ पर जो जहाँ इन्फ्लामेशन होता है उस साइट पर बहुत सारे सेल वहाँ पर चेंज होते हैं, एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन वेरियस सेल चेंज, वहाँ पर सेल में चेंज होता है। तो कौन कौन सा सेल में चेंज होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होते हैं, यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, और चेंज होकर क्या बनाता है, वैसो डायलेटर केमिकल बनाते हैं, या फिर इंडोथेलियल सेंसिटिव केमिकल बनाते हैं वहाँ पर। दूसरा लिखेंगे वहाँ पर न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या बनाता है, चेंज होकर पस सेल बनाता है वहाँ पर, है ना। और उसका फिर क्या होगा, थर्ड में क्या लिखेंगे, वहाँ पर न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि न्यू सेल सिंथेसिस एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर हीलिंग होता है। तो ये आपका हो गया सेलुलर चेंज। तो इतना जो है, आप उसको इन्फ्लामेशन का क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख देंगे, क्या क्या बता आपको हम, पहला डिफिनीशन हुआ, डिफिनीशन के बाद उसके बाद आपको कॉज लिखेंगे, नोमेनक्लेचर लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, और टाइप के बाद साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, और उसके बाद चेंजेज इन इन्फ्लामेशन। इतना लिखने के बाद आपका क्वेश्चन आप इन्फ्लामेशन का तैयार हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।